Good morning, student. I hope you all are doing well. And today I'm going to discuss with you question number 2 from exercise 14.3 class 10. Now the question is, if the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y. You have given the value of median and you have find the value of x and y in the given table. Okay, you have given the table. You have given class interval in this table form and frequency here. Okay, now the difference between the class interval is 10 10, so h will be 10, and you have given frequency f x 20 15 y 5, like this. Okay, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीडियन निकालना है और मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है. तो सी एफ यहाँ पे हम निकालेंगे, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट हमारा एज इट इज होता है, सेकंड क्या होता है, हम डायगनल वे में ऐड करते चले जाते हैं, 5 + x, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 + x + 20, दैट बिकेम 25 + x, नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, 25 + 15, दैट बिकेम 40 + x, नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, 40 + x + y, 45 + x + y, राइट. अब यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही रहेगा, ठीक है. एंड हमें 60 गिवन है, बट जैसे ही हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सम यही पे आएगा, ठीक है. ओके, ये सेम होते हैं. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मीडियन आपको दे दिया गया है. मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एल प्लस एच इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ. तो एन आपका कितना है, एन हमारा 60 है, सो एन बाई टू क्या हो जाएगा, 60 / 2, 30. 30 कहाँ पे लाई कर रहा है, 30 हमारी टेबल में कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चा, 30 हमारा लाई कर रहा है यहाँ पे. सो इसके सामने वाला हमारा एफ हो जाएगा, ये हमारा एल हो जाएगा, राइट. और इससे अबोव वाली हमारी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है. तो हमारे पास अब सभी फिगर्स हैं, अब इनको जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है. पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, मीडियन आपको गिवन है, मीडियन कितना दिया हुआ है आपको, 28.5 इज इक्वल टू एल, जो भी है आपका एल कितना दिया है, एल आपको दिया है 20, प्लस एच कितना हो गया बेटा, 10 इंटू एन बाई टू कितना है, 30, माइनस सी एफ कितना था, 5 + x / 20. नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, 0 to 0 यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या बचा हमारे पास, 28.5 = 20 + 30 - 5 - x / 2, कितना 30 - 5, दैट इज 25. 28.5 इसको इस साइड लेके आ सकते हैं हम डायरेक्ट भी, पहले कर ही लेते हैं, 2 0 = 0, 2 2 = 4 प्लस 30, इसको करेंगे 30 - 5 = 25 लिखते हैं डायरेक्ट, -x / 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 = 10, 2 8 = 16, 16 + 1 = 7, 2 2 = 4 + 1 = 5. माइनस इस तरफ ले आती हूँ डायरेक्ट, चलो पहले लिखते नहीं है, ये ग्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 40 में से 25 लेस करेंगे, पहले ऐड करेंगे बाद में लेस करेंगे, आप लिख लीजिए 57. ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वैल्यू क्या है, -x
हाँ जी, 5, 4 + 2 6, -65 -x, वो तो x x माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि आप 57 को इस तरफ लेके आए फिर आप x को इस तरफ लेके जाओगे, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर लेना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा लास्ट में, दिक्कत क्या है। ठीक है, तो 5 में से 7 जाए, 15 - 7 कितना हो जाएगा आपके पास, हमारे पास, हमने एफ की तो वैल्यू रखी नहीं, देखो एफ की भी तो वैल्यू रखनी है भाई। यहाँ पे रखेंगे तो कितना आई वैल्यू, यहाँ पे -8 -x, भाई माइनस से माइनस घटा तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। ठीक है, अब यहीं पे सोल्व कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या थी, जो समीशन था हमारे पास 45 + x + y = 60 है, क्वेश्चन में दिया है, हमने ऐड किया तो हमारा आंसर ये है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एन की वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि 8 है, वाई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें तो एक्स वाई दोनों की निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, y = 60 -45 - 8, y = कितना आ जाएगा सोल्व करेंगे तो 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था, x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन होता है कंप्लीट।